पंजाब से हैं बलवंत कौर जी, स्वागत है आपका। आदाब रखीम साहब, मैंने जय आगे हिंद। भी आपसे बात की थी फोन पे। जी जी बहुत दिन से मैं आपकी दवाइयां खा रही हूँ। मुझे ना चेस्ट इन्फेक्शन भी है, बलगम जमी है चेस्ट में। इन्फेक्शन, अच्छा। खांसी आती है तो बलगम बाहर नहीं आती है। हाँ जी, मैं आपके बहुत सारी दवाइयां ले रही हूँ। जी, कुछ फायदा है बलवंत जी आपको? हाँ जी, मैं मुझे ये बता, हाँ ये सफिस्तान वाला नुस्खा लूँ क्या, वो लूँ मार्जुन आर्कियर, किससे फर्क पड़ेगा आप बता दीजिए जरा। ठीक है। हाँ देखिए, दोनों, एक तो माजून आर्के जिसकी आप बात करें वो एक प्रोडक्ट है, बाकायदा एक दवा बनी हुई है, और सफिस्तान का नुस्खा जो है वो आपको बनाना सिखाया है दवा, आपको जो बेहतर लगे आप लें। नुस्खा मैं दोहरा देता हूँ, आपके पास तो खैर लिखा हुआ होगा, फिर भी जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए, सफिस्तान, उनाब, अलसी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें, और इसको 30 ग्राम आपको लेना है पीपले, जो हमारे किचन में पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, गरम मसालों में पीपले होती है, ये लें 30 ग्राम। चाहे उन्नाप की गुठली निकाल कर फेंक दें, बाकी चीज़ों को पाउडर बना लें, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये फेफड़ों के लिए, एलर्जी के लिए, बलगम के लिए और इम्यूनिटी के लिए, और सेहत के लिए, ज़ुकाम के लिए, नज़ले के लिए, कफ के लिए, दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है मेरे अनुभव के अनुसार। आप इसे गर्म पानी से लें और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और ऐसे शख्स को दूध भी नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग दूध पीते हैं तो इससे भी कफ बनता है। जब आपके फेफड़ों की एलर्जी चली जाएगी तो आप दूध पिएंगे तो आपको लगेगा, वरना जब तक आप इससे बीमारी से ग्रस्त हैं तब तक वो दूध का बलगम बनने लगता है, और हम बार बार दूध पीते हैं शायद इससे आसानी हो जाए। हमारे घरों का और गांवों का सबका मिजाज ये है, कुछ भी पेट में प्रॉब्लम हुई, खांसी आई, तो कोई भी माँ है, बेटा है, बेटी है, जल्दी से एक बड़ा सा गिलास दूध गर्म करके लाती है, लो ये पी लो अभी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को दूध भी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पिए तो दूध से भी अच्छा काम करता है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।